सो हे गाइस, आई एम प्रोमिनेंट, आप सभी का स्वागत है फ्री फायर गेमर्स जोन के और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए स्काइलर के बारे में बहुत सारे अपडेट्स है, मतलब स्काइलर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें गेम के अंदर आने वाली है, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। और गाइस, इस चैनल के ऊपर न्यू हो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको ऐसे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिले सबसे पहले और आप हमेशा अपडेट रहो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आप लोगों को बता दूं, सेकंड चैनल के अंदर गाइस एक और नया वीडियो आ चुका है। तो गाइस, वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पहले वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया था जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, सेकंड वीडियो के अंदर भी सपोर्ट दिखाना, मजा आएगा। गाइस, आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों को रेगुलर एंटरटेन मिल जाएगा उसके अंदर। सो चलो गाइस, फिलहाल जो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप में से जो भी लोग डिस्कॉर्ड के मीम्स के बारे में नहीं जानते, तो गाइस डिस्कॉर्ड सर्वर पे जो है मीम्स शेयर होता है, आप लोग बना के मीम्स भेज सकते हो। तो गाइस, सेकंड चैनल पे जो हम लोग उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे, लाइक मस्ती वाला जो फन टाइप का होता है ना, वैसे टाइप का वीडियो। तो मुझे उसी में से एक मीम मिला गाइस, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये कोबरा MP40 आने के बाद किसी ने बनाया, भाई बहुत ओपी बनाया और मजा आ गया देख के। लाइक थोड़ा सा मतलब क्या बोलो यार, मतलब दुख भी लगा देखने में क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पोकार MP40 निकाला था। और गाइस, एकदम से यहाँ पे जो है गरीना वालों ने हालात जज्बात सब बदल दिए। और गाइस, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो, उसको पानी में फेंक दिया गया। भाई मैं सच बता रहा हूँ यार, ये डे बाई डे गरीना जो कर रहा है ना, मतलब क्या बोलूँ, कल को लाएगा ऐसा कोबरा MP40 बहुत ओपी है, बट उसके बाद फिर कोई आ जाएगा, तो ये वाली बात है भाई अभी फिलहाल ऐसा। और हाँ गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप में से कितने जनों ने जो है कोबरा MP40 निकाला, अगर निकाले हो तो यहाँ पे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। सो चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस गेम के अंदर आने वाले अनदर एक कोलैबोरेशन के बारे में। मतलब डे बाय डे गरीना इतने सारे कोलैब करता आ रहा है, आप लोगों को पता है, तो इस बार कर रहे हैं यहाँ पे सायोनारा बॉय के साथ। ये कोई बड़ा कोलैब, बहुत बड़ा वाला नहीं होने वाला है, बट हाँ आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कोलैब होने जा रहा है। सो फिर से, और गाइस इसके रिलेटेड क्या अपडेट्स होने वाले हैं बाद में आप लोगों को मैं बता दूंगा। फिलहाल एक बैनर गरीना रिलीज किया है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। सो इससे हम लोग ज़्यादा और कुछ पता नहीं कर सकते, बाद में देखने के लिए मिलेगा, शायद कॉस्ट्यूम्स वगैरह आ सकता है और भी सारे डिटेल्स आएंगे, तब मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे अपडेट कर दूंगा, फिलहाल इतना ही मिला है। सो अभी फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने स्काइलर के ऊपर। तो गाइस, आप लोगों को पता है स्काइलर आने वाला है और ये कोबरा जो इवेंट था ये खत्म होने के बाद ही स्काइलर आ जाएगा। तो स्काइलर के गाइस बहुत सारे आइटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशल लूट बॉक्स, स्पेशल गन के थीम्स, उसके बाद बैनर, अवतार, सारी चीज़ें। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक कॉस्ट्यूम दिखा के बोला था कि भाई बहुत ओपी कॉस्ट्यूम होने वाला है, सो वो भी स्काइलर का कॉस्ट्यूम होने वाला है गाइस। तो अभी और ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं सारे के सारे आइटम्स। तो गाइस, सबसे पहले स्काइलर का स्पेशल सर्वबोट आप लोग देख सकते हो, किस तरीके का एनिमेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सो ये शायद आप लोगों को टॉपअप वगैरह में देखने के लिए मिल सकता है। और देखने की बात है तो भाई बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा एनिमेशन, मतलब आप ऐसे बोल नहीं सकते बेटे तुम तो बड़े हेवी सर्वबोट हो भाई, ऐसे नहीं बोल सकते इसको आप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको पैराशूट देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला, आप लोग देख के बताना गाइस आपको ये पैराशूट कैसा लगा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार देखने में, यहाँ पे स्काइलर का स्पेशल थीम है, आप लोग देख सकते हो, उसका कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि ये स्काइलर का थीम है, मतलब ये स्काइलर वाली स्टाइल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लूट बॉक्स आपको देखने के लिए मिल रही, लूट बॉक्स काफ़ी ओपी है, ऊपर आपको एक छोटू सा डायमंड देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी आप लोग देखो लूट बॉक्स कैसे, कोई भी एनिमेशन आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। बट अगर बात की जाए चमक धमक की तो भाई फुल टू यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, मतलब मजेदार वाली चीज़ है, बट उतना भी कुछ खास नहीं है, मैं जैसे कि आप लोगों को हर एक आइटम में बता रहा हूँ उतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद आपको मिल रहा है बैनर अवतार, छोटू वाला अवतार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसा यहाँ पे कार्टून वाला फेस है, उसके बाद आता है यहाँ पे रियल वाला फेस जो आप लोग देख सकते हो, मतलब एक है यहाँ पे आपका छोटू वाला अवतार, उसके बाद है यहाँ पे आपका एक और छोटू वाला अवतार, उसके बाद है यहाँ पे आपका बैनर। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। बट गाइस, तारीफ तो करना पड़ेगा इस बैनर की जिन्होंने इसको बनाया, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस वाला एक बैनर आपको देखने के लिए मिल रहा है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको वुडपीकर का स्किन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर डैमेज आपको सिंगल प्लस देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा आपको इसके अंदर रेंज भी सिंगल प्लस देखने के लिए मिल रहा है और माइनस जो है वहाँ पे एक्यूरेसी आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो ये वाला जो स्किन होने वाला है काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है डैमेज एंड रेंज दोनों ज़्यादा है। वुडपीकर कितना डेडली गन है ये शायद किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है भाई ये गन जब है मतलब कितना ओपी है। और गाइस, ये स्काइलर वाला थीम बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है देखने में। इसके बाद आता है गाइस आपका M249 मशीन गन जिसके अंदर आपको सिंगल डैमेज प्लस देखने के लिए मिल रहा है, इसके अलावा आपको रेंज देखने के लिए मिल रहा है। बट गाइस, इसके आप लोगों को एक सीक्रेट वाली बात बताऊँ,
जो बहुत कम जनों को पता है शायद से। कि मैंने ना अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, उसने मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई। ये वाला स्किन बेस्ट नहीं होने वाला M249 का, क्योंकि गाइस पता है क्या है कि जो अपना रेट ऑफ फायर वाला M249 है वही सबसे ज्यादा बेस्ट। मतलब अब 111 लोगों को पता लग गई। तो चलो गाइस ये सीक्रेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गाइस आते हैं यहाँ पे विक्टर के स्किन के ऊपर। तो गाइस विक्टर का स्किन आप लोग देख सकते हो कितना ओपी लुक है इसका। और इसकी एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो गाइस डैमेज सिंगल प्लस, मैगजीन सिंगल प्लस एंड रेंज माइनस देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है सब मेरे साथ एक साथ बोलो। सर ये तो टट्टी है। एक तो विक्टर का रेंज पहले से ही कम कर दिया गया है, उसके ऊपर ये वाले स्किन के अंदर और रेंज माइनस है, तो भाई क्या करोगे लेके इसको। इसके बाद आता है ग्रेनेड। तो गाइस ग्रेनेड के बारे में क्या बोलूँ यार, ग्रेनेड बहुत ओपी है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब एनिमेशन है इसके अंदर। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इसको बनाया गया है। सिर्फ साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो पता नहीं यार कितना ज़्यादा कारगर होगा। बाकी आप एक ग्लूवाल देख सकते हो, MTP ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख सकते हो ग्लूवाल के ऊपर। और ग्लूवाल के बारे में क्या बोलो आप लोग खुद बताना, ग्लूवाल आपको कैसा लगा। मतलब कोई ये ग्लूवाल का स्किन एक तरफ से बोल सकते हो, अलग से पूरा आपको थीम देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है स्काइलर का स्पेशल मेल एंड फीमेल बोथ टी शर्ट। मतलब ये एक टी शर्ट मेल एंड फीमेल कैरेक्टर दोनों पहन सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट हाइट करता है, ठीक है। मतलब ये लैंग्वेज अलग है बट कहने का मतलब सेम है, वेस्ट हाइट करता है, तो ये काफी अच्छी बात अगर ऐसा होता है तो। उसके बाद खुद स्काइलर जो आने वाला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका एनिमेशन किस तरीके का होने वाला है। ये सिंगर है आप लोगों को पता है, सो दैट्स व्हाई इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके का डिजाइन किया गया है। आप लोगों को पूरा डिलक्स बंडल कुछ इस तरीके का दिखेगा सफेद के अंदर, भाई देखने में बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था ये कैरेक्टर के सारे जो आइटम्स है ये लुक वाइज ना बहुत ज्यादा क्लासी है, तो ऐसा यहाँ पे इसका कॉस्ट्यूम आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो स्काइलर का स्पेशल आपको इमोट देखने के लिए मिल रहा है। इमोट तो भाई लाजवाब है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कोबरा का इमोट के बाद ये वाला इमोट बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। गाइस आप लोग एक बार फिर से देखो भाई इतना ओपी इमोट। गाइस भाई डे बाय डे गरीना इमोट के मामले में बहुत सही काम कर रहा है, और अब गाइस रियलिस्टिक लग रहा है इमोट देखने में। आप लोग देखो गाइस कैसा है यहाँ पे ये, भाई कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना भाई इमोट तो भाई जरूर #OP लगा देना चैट पे, भाई मेरे को तो भाई लिटरली बहुत ओपी लगा ये। अब गाइस आते हैं जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे वाले थे, वो है यहाँ पे ये वाला कॉस्ट्यूम। ये स्काइलर का कॉस्ट्यूम है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। भाई ये कॉस्ट्यूम जब मैंने आप लोगों को दिखाया था तब भी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि भाई ये गेम का वन ऑफ द बेस्ट कॉस्ट्यूम होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है थोड़ा बहुत जो हम लोगों का हिप हॉप वाला बंडल है उसके जैसा इसका लुक है, थोड़ा बहुत जो हम लोगों का ब्रेक डांसर बंडल है उसके जैसा लुक है। मतलब सब कुछ मिला जुला के इसका लुक मुझे ऐसा लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो गाइस इसके अंदर कोई भी एनिमेशन नहीं है, मतलब टोटली एक रियलिस्टिक वाला कॉस्ट्यूम आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके कॉस्ट्यूम के हर एक पार्ट्स, मतलब चाहे वो जूता हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो बाल हो या फिर सनग्लास हो, तो सारे के सारे चीज़ गाइस यहाँ पे ओपी है। और इसको आप हर एक कॉस्ट्यूम के साथ कॉम्बिनेशन बना के पहन सकते हो, तो भाई ये बहुत ओपी कॉस्ट्यूम आपको मिलने वाला है। पहले आप लोगों को मैंने पूरा दिखा दिया था, अलग से बताने लायक कुछ नहीं है। फिलहाल इतना बता दिया कि स्काइलर के साथ आने वाले ये वाला, ठीक है। तो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। इसके बाद आते हैं गाइस एक कोबरा इवेंट के अंदर आपको एक आइटम देखने के लिए मिलेगा जो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया होगा या फिर इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। ये है गाइस फ्लेमिंग फिस्ट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आप लोगों को पता है हाथ में लगाने के लिए आग टाइप का आता है, सो ये कोबरा इवेंट के अंदर भी आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब ये बाद में मिलेगा, ये अभी नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे बात है इंडियन सर्वर की, जो फिस्ट के स्किन्स होते हैं बहुत बाद आता है, तो ये भी आप लोगों को बहुत बाद ही देखने के लिए मिलेगा, बट कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। सो काफी ओपी लग रहा है यहाँ पे देखने में, आप लोग देख सकते हो एकदम आग वाग जल रहा है भाई, क्या ही बोले। ऐसा लग रहा है कि गाइस उल्वरिन का हाथ के ऊपर यहाँ पे आग लगा दिया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है देखने में। तो भाई काफी ओपी है गाइस, आप लोग कॉमेंट करके बताना आपको ये वाला फिस्ट कैसा लगा है। सो ये गाइस ऐसा ही कुछ यहाँ पे आइटम्स थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया वीडियो के अंदर। कैसा लगा वीडियो जरूर कॉमेंट करके बताना। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो देख के पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा। और प्लीज गाइस फिर से बोल रहा हूँ सेकंड चैनल का लिंक गाइस आप लोगों को पे मिल जाएगा, नया वीडियो आ चुका है। तो गाइस आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ गाइस, क्योंकि उस चैनल पे आप लोगों को सारे ऐसे चीज मिलेंगे जो मेन चैनल पे नहीं मिलते हैं। लाइव स्ट्रीम से रिलेटेड हो गया या फिर फन से रिलेटेड हो गया, आपके साथ गेम प्ले हो गया या फिर आपके मीम्स के रिव्यू, जो भी होगा गाइस सब उस चैनल के ऊपर होगा। तो प्लीज गाइस जाके सपोर्ट दिखाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स पे सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तब से फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।